आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के 6 ठिकानों पर शुक्रवार को ईडी ने छापा मारा। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह कार्रवाई की। इससे पहले सीबीआई इसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप पर घोष को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने सुबह घोष के बेलियाघाटा स्थित घर और उनके करीबियों के हावड़ा और सुभाषग्राम स्थित 2 ठिकानों पर छापेमारी की। 7 घंटे की कार्रवाई के बाद ईडी ने संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को सुभाषग्राम के डेपारा इलाके में उनके आवास से हिरासत में लिया। चटर्जी को आरजीकर के सेमिनार हॉल से वायरल हुए वीडियो में भी देखा गया था। घोष को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला। घोष ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी का मामला सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को आरजीकर रेप हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सौंपी थी। सीबीआई ने घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग घोष को सस्पेंड कर चुका है। 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी थी। इस बीच 5 सितंबर को सीबीआई की जांच में सामने आया है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के अगले दिन ही संदीप घोष ने सेमिनार हॉल से लगे कमरों के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में ही मिला था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को सेमिनार हॉल में लगे कमरे और टॉयलेट का रिनोवेशन करने को कहा था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।